सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। आप लोग सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। जितेंद्र कुमार, हाउ आर यू सर? फाइन, बढ़िया है। आप लोग कैसे हैं? जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो सेशन को शेयर कर दीजिए। बिहार पॉलिटेक्निक में एग्जाम में मात्र आपका एक दिन और शेष है। आज और कल यही दो दिन बस बचे हुए हैं और परसों आपका 25 तारीख को पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है, बिहार पॉलिटेक्निक। तो आप लोग बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मात्र दो दिन बचे हुए हैं आपके। आज है 24 और 25 को आपका एग्जाम है। मात्र दो दिन बचे हुए हैं। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इसको। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान का एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाढ़ आई हुई है बिहार में। चलिए कोई बात नहीं, बिहार में जो कोसी नदी है उसका पानी बढ़ता रहता है। बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संरचना का IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम पूछ रहा है। तो इसके पिछले वाली जस्ट इससे कल वाली क्लास में मैंने IUPAC का फुल फॉर्म बताया था। यूपी में कहां पर हैं आप? कहां पर यूपी में बाढ़ आई हुई है? जितेंद्र कुमार, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका IUPAC का फुल फॉर्म होता है। IUPAC एक ऐसी संस्था है जो क्या करता है, रसायन विज्ञान में जितने भी प्रकार के कंपाउंड है सबका नामकरण करने का काम कौन करता है? IUPAC करता है। तो चलिए, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड में देखिए आप तो COOH और सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड H, ये एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, अब इसमें दो ग्रुप आपका अटैच हुए हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी चैन खोजेंगे। कार्बन की लंबी चैन कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन की सबसे लंबी चैन हमको कहाँ मिली, 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 को बोलते हैं ब्यूट। अब देखिए 1, 2, 3 तीन नंबर पर डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है जो होता है आपका क्या, कीटो ग्रुप। ये जो आप सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ देख रहे हैं इसको बोला जाता है कीटो ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। तो देखिए 1, 2, 3 नंबर पर लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको, 3 कीटो
थ्री कीटो, और उसके बाद क्या बोलेंगे, और देखिए एक दो तीन चार, चार का होता है ब्यूट, तो ब्यूटेन, और लास्ट में आपका लगा हुआ है ओइक एसिड, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। तो ये हो गया आपका थ्री क्यूट कीटो ब्यूटे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड या अम्ल। तो ये इसका नामकरण क्या निकल के आया आपका, थ्री कीटो, थ्री कीटो ब्यूटेनोइक एसिड या थ्री कीटो ब्यूटेनोइक अम्ल, ये इसका नामकरण हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आईपीएससी नाम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी चैन खोजते हैं। यहाँ देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तीन नंबर पर आपका कीटो ग्रुप अटैच है, तो इसको लिखते हैं थ्री कीटो, और उसके बाद एक दो तीन चार, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेन, और यहाँ पर लास्ट पहले कार्बन पर आपका ओइक ग्रुप अटैच है, तो उसको बोलते हैं ब्यूटोन, ब्यूटेनोइक एसिड, और लास्ट में आपका एसिड जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका थ्री कीटो ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री कीटो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है एक यौगिक दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक यौगिक दिया हुआ है जिसका मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना दिया हुआ है CH2O, तथा इसका अणु भार 180 दिया हुआ है, इस यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दिया है कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दिया है कंपाउंड का, तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दिया है कंपाउंड का तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं अणु सूत्र, तो अणु सूत्र का फार्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र बराबर होता है, अणु सूत्र निकालने का फार्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र का नीचे लगा दीजिए n, n क्या होता है, n आपका, n जो है एक वैल्यू होती है जिसका मान होता है अणु भार बटा में मूलानुपाती सूत्र का भार, तो n की वैल्यू क्या होती है, n बराबर होता है अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। तो ध्यान से देखिए, तो इसका अणु भार कितना दिया हुआ है, अणु भार हमको दिया हुआ है 180, तो n की जगह क्या लिखेंगे 180 बटा, और मूलानुपाती सूत्र का भार कितना हुआ CH2O का निकालिए, तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का एक संख्या में दो है 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 2 14 14 16 कितना होता है 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30, तो भाग दे दीजिए 30 का, तो फिर क्या करेंगे, अब 30 से कटाएंगे 180 को, कितना बार में जाएगा 3 6 18 6 बार में जाएगा, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, n की वैल्यू आ गई हमारी 6, इस वैल्यू को हम यहाँ ले आकर रख देते हैं, तो अणु सूत्र क्या निकल के आ जाएगा हमारा अणु सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, अणु सूत्र आएगा मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र है CH2O, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना आई है, n की वैल्यू आई है 6, अब 6 का सब में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका C6H12O6। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है, जाइए आप कॉलेज जाइए। चलिए, तो ये फार्मूला होता है किसका, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6।
तो ये होता है आपका अणु सूत्र का फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र, और n n का वैल्यू होता है अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। तो इसमें अणु भार हमको दिया हुआ है पहले से कितना 180, और मूलानुपाती सूत्र का भार निकालेंगे तो निकल के आएगा 30 का, इसका डिवाइड कर दीजिए तो n का वैल्यू आएगा 6, और ये फार्मूला में ले आकर पुट कर दीजिए और 6 का सब में गुणा कर दीजिए तो हमको क्या मिलकर आएगा, क्या निकल कर आएगा, इसका यौगिक का अणु सूत्र। और क्या निकल के आया है यौगिक का अणु सूत्र, C6H12O6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। प्रश्न संख्या 83, जो आपका नेचुरल गैस होता है, जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, इस ईंधन में आपका मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एन ऑक्टेन, ऑप्शन डी ऑक्टेन का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक में जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक होता है मेथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। CH4 किसका फार्मूला होता है, मेथेन का। मेथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। मार्स गैस क्यों कहते हैं कि जो आपका मेथेन होता है ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, दलदली एरिया में पाया जाता है, और दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, और वहां से जो गैस निकलती है वो क्या होती है, मेथेन ही होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स गैस किसको बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं, फार्मूला CH4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो लोग नए आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक सीरीज चल रही है जिस चैनल का नाम है यूनिटेक गुरु। इस चैनल पर आप सभी लोग विजिट कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक की तैयारी जो है इस चैनल पर आपको मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 84 चौरासी नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कोल तार से उत्पादित किया जाता है। तो कोल तार, जो आपका कोल तार होता है, इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग अलकतरा बोलते हैं। अलकतरा में क्या पाया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है संश्लेषित रंग। अलकतरा से क्या क्या बनाया जाता है, संश्लेषित रंग, ऑप्शन बी दवाइयां, ऑप्शन सी इत्र बनाया जाता है, या ऑप्शन डी ये सभी चीजें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अलकतरा से ये सभी चीजें बना सकते हैं, क्या क्या, कोल तार यानी अलकतरा से क्या क्या बना सकते हैं, ये सभी चीजें, दवाइयां भी बना सकते हैं, संश्लेषित रंग, संश्लेषित रंग को इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक कलर, जो आप मार्केट में देखते हैं जो कपड़े के अंदर पड़ा होता है वो होता है सिंथेटिक कलर, और जो होता है इत्र, जो परफ्यूम आप लोग लगाते हैं, जो खुशबू आप लोग लगाते हैं, बॉडी स्प्रे हो गया, इत्र हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब आपका कोल तार से बनाया जाता है। ये सब किससे बनाया जाता है, कोल तार से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या
85, प्रश्न संख्या 85, 85 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 85, भाई जल्दी लोग, जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के एग्जाम में मात्र 2 दिन और बचे हुए हैं, आप लोग के एग्जाम में मात्र 2 दिन और बचे हुए हैं, आज और कल, ठीक है? ये 2 दिन आपके, इस 2 दिन में आपको क्या करना है, मात्र रिवीजन करना है। आप जो वीडियोस पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, और क्या कीजिए, आप जितने भी नोट्स जहाँ तक पढ़े हैं आज अभी तक आपने जिस सोर्स से पढ़ा है उस सोर्स को भी आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यही 2 दिन आपका एग्ज़ाम में जो है याद रहता है, जो आप 1 हफ्ता पहले पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम में याद रहता है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85, 85 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है, 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कैसा होता है, इसकी क्या खासियत होती है कि जो मिट्टी के तेल हैं उनको जो हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या खासियत होती है कि मिट्टी के तेल को हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन कह रहा है कि ये कम वाष्पशील होते हैं, यानी कि इनकी जो वाष्पन की क्षमता होती है वो कम होती है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ये अधिक वाष्पशील होते हैं, यानी कि ये तेजी से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, ये जो है ईंधन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ये सस्ता है, सस्ता तो है लेकिन इसका मेन फैक्टर ये नहीं है, ठीक है? तो मिट्टी का तेल में ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि कम वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील है, सस्ता है, या ऑप्शन डी बहुतायत में उपलब्ध होता है। बहुतायत का मतलब ये हुआ कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं बहुतायत, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका मिट्टी का तेल होता है इसमें जो उसकी वाष्पन की क्षमता होती है वो क्या होती है, वो अधिक होती है, जिसकी वजह से इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यह अच्छा एक ईंधन माना जाता है मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी वाष्पन की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, इसकी वाष्पन की क्षमता अधिक होती है। चलिए तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, 86 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 86, 86 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो आपका वेल्डिंग जो होती है, जो आपका जो लोहार लोग वेल्डिंग करते हैं, उस वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रयोग की जाती है, उस गैस का नाम बताइए, उस गैस का क्या नाम है जो कि आपका वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उस गैस का क्या नाम है। तो आप बताइए जो गैस होता है उस गैस का क्या नाम है जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है। तो वेल्डिंग में किया जाने वाला गैस का क्या नाम है, ऑप्शन दिया हुआ है मेथेन, ऑप्शन बी दिया हुआ है एथेन, ऑप्शन सी दिया हुआ है एथीन,
और ऑप्शन डी दिया हुआ है एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करंट अफेयर्स वाले सब क्लास नहीं चले क्या? पूछ रहा है। छोटू जाटव, देखिए करंट अफेयर्स वाले सर कहीं गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो उनकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। ये क्या होता है? एक गैस टाइप का होता है C2H2। ये क्या करता है आपका, वेल्डिंग में जब इसको उपयोग में लाया जाता है तो उस गैस को थोड़ा सा क्या करता है, हल्का कर देता है, और वेल्डिंग में क्या करता है, सहायता कर देता है। तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 आपका उपयोग में लाया जाता है, जिसका नाम होता है एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 87 है। प्रश्न संख्या 87 प्रश्न कह रहा है आपका कि जब एसिटिलीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? उत्पाद का वैल्यू पूछ दिया है कि उत्पाद आपका क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा। तो एसिटिलीन की क्रिया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, तब आपका उत्पाद क्या बनेगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसिटिलीन लेंगे C2H2, उसकी क्रिया आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराइए, तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? इसका उत्पाद बनेगा CH3CH2Cl। इसका उत्पाद बनेगा आपका CH3CH2Cl, ये इसका उत्पाद बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए CH3CH2Cl जहाँ दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होता है CH3CH2Cl, इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH3CH2Cl इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसिटिलीन का आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3CHCl। CH3CH2Cl इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटू जाटा ऑप्शन नंबर CH3CHCl ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3CHCl2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3CHCH2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। 88 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से आपका कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम फॉस्जीन है। तो फॉस्जीन किसको बोला जाता है? फॉस्जीन आपका कार्बोनिल क्लोराइड को बोला जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? फॉस्जीन, CoCl2 आपका क्या होता है? कार्बोनिल का क्लोराइड होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है?
फाजीन होता है। एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक की क्लास कब चलेगी? कौन सा कोर्स, कोर्स का नाम बताइए। रवि कुमार, रवि कुमार कोर्स का नाम बताइए। एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स कौन सा कोर्स है आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है BCA थर्ड सेमेस्टर। कितने बजे थर्ड सेमेस्टर का बेटा? अभी कोई बैच लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब भी लॉन्च होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न कह रहा है 88, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है? तो फॉस्जीन किसका सामान्य नाम होता है? कार्बोनिल क्लोराइड का। और कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। COCl2 किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोनिल क्लोराइड का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 89 क्या कह रहा है हमारा? 89 नंबर का प्रश्न। जो लोग देर से आए हैं वो लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने भी लाइक ना किया उसको लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यन राज, गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गए बाबू। आर्यन राज गुड मॉर्निंग, देर से आए हैं आप, आधे घंटे से भी ज्यादा क्लास हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। तो तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आर्यन राज बताइए, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? चलिए प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये एक वाष्प अज्वलनशील होती है, इसलिए इसे पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न आप लोग का होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग खोज कर बताएंगे कि किस कंपाउंड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का उपयोग आपका आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 90 अगला प्रश्न कह रहा है
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 90, 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया का पर आधारित होती है। तो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें से जल क्या होता है, जल के अणु बाहर निकलते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जली, निर का मतलब होता है बाहर निकलना और जलीय मतलब जल, जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीय अभिक्रिया कहलाता है। तो जो आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है वो कौन कंपाउंड देता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण आपका ईथर देता है। ईथर, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, जहां आर होता है आपका एल्किल या एराइल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप में आपका सबसे छोटा CH3 आता है, सिंगल बॉन्ड ओ CH3, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो आपका कंपाउंड देख रहे हैं ये आपका ईथर होता है, ये निर्जलीकरण देता है आपका। या यहाँ पर अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड लगाना चाहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड लगा दीजिए तो भी आपका ईथर बन जाएगा। जैसे यहाँ लगा दीजिए बेंजीन लगा दीजिए, बेंजीन, ये बेंजीन है आपका, इस बेंजीन से ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन से ओ अटैच कर दीजिए और इसी से एक और बेंजीन अटैच कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये भी ईथर ही है, ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक ईथर है, ये आपका एलिफैटिक ईथर है। तो ये किसमें भाग लेता है आपका, निर्जलीकरण में भाग लेता है, किसमें लेता है, निर्जलीकरण में आपका भाग लेता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या 91 क्या कह रहा है, 91 क्या कह रहा है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं। तरंग जो है आपका वेव्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं किसके कारण। तो ऊर्जा का संचरण करती हैं किसके कारण, ऊर्जा के द्वारा, किसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं और ऊर्जा का संचरण करती हैं। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं ऊर्जा, आयाम, तरंग और द्रव्य के द्वारा। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये इसमें चला आया है, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये इसमें चला आया है। तो इसलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है हमारा साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। हालांकि ये भी प्रश्न फिजिक्स का ही है लेकिन इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, साबुन का बुलबुला किस कारण आपका रंगीन दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे घरों में जब कपड़े उपड़े धुलते होंगे तो जब उसका जो झाग निकलता है तो झाग जो होता है उस पर अगर आपकी नजर पड़ेगी तो आप देखिएगा उसमें जो है कलर शो करेगा, जैसा लगेगा वो रंगीन चमक रहा है। तो यही पूछ रहा है सवाल हमारा कि जो आपका साबुन का बुलबुला है वो किस कारण आपका रंगीन दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसके कारण आपका साबुन का जो है बुलबुला उसका कलर जो है इसका रंग जो है रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कल की क्लास, एक और क्लास बची है, उसके बाद परसों आप लोग का एग्जाम है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि प्लेलिस्ट में चले जाइए, जितने भी पुराने वीडियोज हैं उनको देखिए और अभी तक जहाँ से आपने जिस सोर्स से पढ़ा है उस सोर्स को आप लोग बार बार रिवाइज कर लीजिए,
ठीक है, और एग्जाम में जाइएगा अच्छे से, फ्रेश माइंड से पेपर दीजिएगा, पानी उनी पी के बढ़िया से जाइएगा, बिना टेंशन का जाइएगा, ठीक है, क्योंकि टेंशन से। हैप्पी बर्थडे कौन बोला है भाई? हैप्पी बर्थडे नहीं है हमारा, आपका है क्या? प्रवीण कुमार, आपका बर्थडे है क्या? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। एग्जाम में जाइएगा फ्रेश माइंड से होकर जाइएगा, रिलैक्स होकर जाइएगा, अच्छे सा पेपर दीजिएगा और टॉप करके आइएगा, ठीक है। और यहाँ जितना भी चीजें पढ़ाए गए, यहाँ से आपको डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। जब वहां आप बैठेंगे तो जो लोग क्लास किए होंगे अच्छे से, उनको ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आएगी और उनका टाइम बचेगा, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, क्योंकि ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, पॉलिटेक्निक के किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों का जो रिपीटेशन है उसकी चांस ज्यादा है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण के द्वारा, व्यतिकरण। अगला प्रश्न है 93। 93 प्रश्न कह रहा है कि एक एन प्रकार का अर्धचालक है, एक एन प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता क्या होती है, ना तो ज्यादा कुचालक होता है और ना ही बहुत ज्यादा कंडक्टर, यानी बीच का होता है। तो इस टाइप का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो अर्धचालक जो होता है एन प्रकार का कैसा होता है? एन प्रकार का जो आपका अर्धचालक होता है वो आपका क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक होता है वो होता है आपका उदासीन। उदासीन होता है एन प्रकार का अर्धचालक। बात समझ में आ रही है? एन टाइप का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन जो तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका क्या नाम है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है? आपका अर्धधातु, यानी सेमीकंडक्टर होता है, अर्धधातु आप कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर की क्या खासियत होती है? सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो क्या होता है? ना तो बहुत ज्यादा कंडक्टर का होता है, ना ही बहुत ज्यादा इंसुलेटर का होता है, इनके बीच में होता है। और ये दो टाइप का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या होता है? इसमें जो होता है आपका पी टाइप में आपका कोटर वोटर वगैरह बनते हैं, इसका डिटेल अध्ययन आपको फिजिक्स में मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है तो इसको बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आइंस्टीन का नियम, आइंस्टीन के नियम पर लगता है ये प्रश्न। सवाल कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम में तुल्य ऊर्जा क्या होगी? तुल्य ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी तुल्य ऊर्जा क्या मतलब होता है? एनर्जी। तो 1 ग्राम यूरेनियम में आपका क्या पाया जाता है, या कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाई स्कूल से ही रटते हुए आ रहे हैं। क्या? E बराबर MC2। MC2 ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आज तक नहीं समझ में आया। देखिए, अब समझ में आएगा, क्योंकि E जो मान होता है वो होता है एनर्जी का, M जो होता है मास होता है, और C जो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को अगर हम प्रकाश की चाल से फेंकें तो क्या होगा? उसकी जो एनर्जी होगी, उस वस्तु का गुणा, उस वस्तु के द्रव्यमान का गुणा तथा प्रकाश की चाल का वर्ग का गुणा, तो जो वैल्यू आएगी उतनी एनर्जी उस वस्तु से हमको प्राप्त होगी। इस नियम को किसने दिया था? इस नियम को दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उन्हीं के नाम पर इसको बोला जाता है आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर MC2। ई बराबर क्या होता है? MC2, जहाँ M होता है आपका मास, द्रव्यमान, और C होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू बस इसमें पुट करना है। और हमारा यूरेनियम का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, तो एम का मान कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, और 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में एक्सचेंज करेंगे तो 1/1000, 1/1000 क्या हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। बस इसी वैल्यू को ले आकर इसमें रख दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा आपका, M का मान कितना दिया हुआ है, 10^-3, फिर गुणा C का स्क्वायर कर दीजिए, C का क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, गुणा C का स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 10^8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10^-3 गुणा 3 का स्क्वायर 3 × 9 गुणा 10^16, 10^16 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10^13, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 × 10^13 जूल। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा जूल। तो E बराबर MC² फार्मूले से क्या निकलेगा, जो इसकी वैल्यू आएगी 1 ग्राम यूरेनियम की तुल्य ऊर्जा आएगी कितनी, 9 × 10^13 जूल, 9 × 10^13 जूल, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 9 × 10^13 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है 9.0 अर्थात 9 × 10^13 जूल, 9 × 10^13 जूल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 1 ग्राम यूरेनियम की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 9 × 10^13 जूल के बराबर होती है। और हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, और इस पीडीएफ का आखिरी प्रश्न है ये, इसमें कह रहा है आपका, लास्ट प्रश्न कह रहा है आपका, आखिरी प्रश्न कह रहा है कि जो सोडियम होता है, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसी सोडियम का बोल रहा है कि इस सोडियम का जो नाभिक होता है उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तो लिखते हैं सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, और अगर हम यहाँ नीचे लिख दिए तो ये होता है आपका परमाणु क्रमांक, अगर इसके सर पे चढ़ा दिए तो ये हो गया आपका क्या, परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और सोडियम का परमाणु भार 13। तो अब देखिए इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है और जो परमाणु भार होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रोटॉन की संख्या निकल कर आएगा। तो परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, और परमाणु क्रमांक हमारा दिया हुआ है 11, और 23 में से अगर आप 11 घटा देंगे तो आपके पास प्रोटॉन की संख्या टोटल निकल कर आएगी कितने, 12 प्रोटॉन है आपके पास, कितने प्रोटॉन है आपके पास, 12 प्रोटॉन आपके पास उपस्थित हैं, 12 प्रोटॉन आपके पास उपस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सोडियम, सोडियम 11 और परमाणु भार 23 में दिया हुआ है क्या क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, बी दिया हुआ है 12 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 23 प्रोटॉन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या होता है 12 प्रोटॉन होता है। अभी निकाला था मैंने, कैसे निकाला, परमाणु भार 23 में से आप क्या कीजिए, परमाणु क्रमांक 11 कटा दीजिए, तो जो निकल के आएगी वैल्यू वो होती है किसकी वैल्यू, वो प्रोटॉन की वैल्यू होती है, 12 किसकी वैल्यू होती है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की वैल्यू होती है, और ये जो आपका प्रोटॉन होता है ये आपका नाभिक में उपस्थित होता है। तो किसी भी पदार्थ के नाभिक में आपका क्या क्या रहता है, देखिए ये भी देख लीजिए, ये अगर सोडियम का नाभिक है तो सोडियम के नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है, सोडियम के नाभिक के तरफ चारों तरफ घूमता है आपका इलेक्ट्रॉन, कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमको दूसरे कलर से इसको दिखाते हैं, ये जो घूम रहा है आपका ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते चक्कर लगाते हुए इसके चारों तरफ घूमता रहता है, एक सीध में इसको घूमते रहता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो नाभिक होता है, नाभिक में आपका क्या होता है, नाभिक में आपका, इस नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाया जाता है, इसका पर एक इकाई ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है आपका नाभिक में पाया जाता है, इसको पी से दर्शाया जाता है, इस पर एक इकाई धन आवेश होता है, और जो आपका साथ ही साथ न्यूट्रॉन होता है यह भी आपका नाभिक में पाया जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको जीरो से दर्शाते हैं, एन के पावर जीरो से। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो बात समझ में आई? तो ये रहा आज का वीडियो और आज का जो है लेक्चर यही समाप्त होता है। लेकिन आप लोग को एक बात बता दूं कि जो आप लोग का एग्जाम है मात्र 2 दिन और बचे हैं, आज और कल। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, रिलैक्स माइंड से होकर जाइएगा पेपर देने, बिना टेंशन का फ्री माइंड से होकर जाइएगा पेपर देने, ठीक है? तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में एक और सेट सॉल्व करेंगे और कल बहुत सारा मोटिवेशन की बात करेंगे और एग्जाम में कैसे बैठना है, कैसे कैसे पेपर देना है, ये सब चीज़ों की बातें कल करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए आप लोग पढ़िए आराम से, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? जय हिंद।